हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, आपको डायरेक्शनल ट्रेड अभी नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। आज सेकंड हाफ में एक फॉल हमें देखने को मिला, और अगर आप देखो तो क्लोजिंग जो है वो ये ट्रायंगल के नीचे ही क्लोज हुआ है एग्जैक्टली। सो आप देखते हैं 10,200 क्रूशियल लेवल है, अगर 10,200 के नीचे जाता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है 9,900 और 9,600 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो 10,200 एक क्रूशियल लेवल होगा। बैंक निफ्टी के लिए अगर बात करें तो 21,000 एक क्रूशियल लेवल होगा। 21,000 के नीचे अगर जाता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है 19,500 एंड 19,000 वापस रिटेस्ट हो सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है, आप ध्यान देना। 21,000 बैंक निफ्टी के लिए एंड 10,200 निफ्टी के लिए। अगर ये टूटता है तो लॉन्ग पोजीशंस आपको एग्जिट करना है, अगर आपका कोई लॉन्ग पोजीशन है तो, और शॉर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको कोटक बैंक बाय दिया था 1367 के ऊपर, 1374 तक जाके आया, 6-7 रुपए इसमें मिला, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम लोग करते हैं वो ट्रिगर हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी सेम था, एंड सन टीवी में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, रेंज बाउंड है, तो आपके जो इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं उसमें आपके जो टारगेट्स हैं वो आपको छोटे रखने पड़ेंगे, और जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मूवमेंट आपको किसी भी स्टॉक में नहीं मिलेगा क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है। जब मार्केट ट्रेंडेड हो जाता है तब आपको स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, फास्ट प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, एंड आपके टारगेट्स भी आपको ट्रेड्स में छोटे रखने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा साइडवेज मार्केट है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा पेट्रोनेट। पेट्रोनेट का सेटअप मुझे बहुत वीक लग रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है 260 के लेवल से, इसलिए ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है। सो पेट्रोनेट काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट भी बहुत स्ट्रक्चर वीक लग रहा है, यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन है आप देख सकते हो। अब मुझे लगता है यहाँ से 430 एंड 470 ये दो पॉसिबल टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो बर्जर पेंट काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा, पोजिशनली भी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा, और इंट्राडे के लिए भी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। लास्ट स्टॉक होगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस अगर आप देखो एक बड़ा रनअप हमें देखने को मिला था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला, अब प्राइजेस थोड़ा सा टर्न हो रहा है यहाँ से, और मुझे लगता है अगर ये 1070 होल्ड कर लेता है तो वापस ये 1200 तक वापस रीटेस्ट कर सकता है। सो 1070 अगर होल्ड करता है तो डेफिनेटली काफी अच्छा बाय कैंडिडेट रहेगा मुथूट फाइनेंस। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।